हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस करेंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर 2019 करेंट अफेयर्स। इस करेंट अफेयर्स में जो खबरें मूल रूप से संग्रहित की गई हैं, वो पूरे अगस्त माह की खबरों का संग्रह किया गया है और इसे दो पार्ट में वीडियो बनाया जाएगा। पहले पार्ट में हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को पढ़ेंगे तथा दूसरे वीडियो में हम लोग आर्थिक घटनाक्रम के साथ साथ खेल और महत्वपूर्ण पुरस्कार, सम्मान आदि से जुड़े हुए घटनाओं को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। इस वीडियो के पीडीएफ लिंक अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आज के इस प्रमुख न्यूज़ को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स अक्टूबर 2019 पार्ट वन। आते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले हम लोग योजना एवं परियोजना को देखेंगे। कुछ योजनाएं जो देश स्तर पर चलाई गई हैं और कुछ योजनाएं जो राज्य स्तर पर चलाई गई हैं। सबसे पहले है निष्ठा। निष्ठा कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो आप एक सबसे पहले ये जरूर याद रखें किसी भी योजना को पढ़ने के क्रम में कि किस द्वारा चलाया गया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अध्यापकों को शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना। यह विश्व का सबसे बड़ा अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 42 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि निष्ठा कार्यक्रम किस विभाग या मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। किस क्षेत्र में चलाया गया है? तो अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए। दूसरा है सगुन पोर्टल। यह भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ही एक परियोजना है। इसमें इसका उद्देश्य है इस पोर्टल से देश के 15 लाख स्कूलों को लिंक किया जाएगा, जिसके जरिए अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी एवं आम लोग कर्मियों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अगर स्कूल से जुड़े हुए कर्मियों पर कोई शिकायत है, तो इस पोर्टल के माध्यम से आप उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कर पाएंगे। तो ये है शगुन पोर्टल, जो कि चलाया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो निष्ठा और शगुन पोर्टल। नेक्स्ट आते हैं अंगीकार अभियान। केंद्रीय आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है जल व ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य, पौधारोपण, स्वच्छता इत्यादि जैसे मुद्दों पर फोकस करना। अंगीकार अभियान केंद्रीय आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसमें मूल रूप से जल, ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य, पौधारोपण, स्वच्छता आदि मुद्दों को विशेष रूप से ध्यान देना है। नेक्स्ट है आदर्श स्मारक योजना। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है ऐतिहासिक इमारतों में आने वाले आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। तो कई ऐसे ऐतिहासिक इमारत है जहां पर कुछ विशेष अतिथि या आगंतुक आते हैं, उनको विशेष सुविधाएं प्रदान। मेघदूत ऐप। पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय द्वारा ये ऐप बनाया गया है। इसका मूल उद्देश्य है तापमान, वर्षा, आर्द्रता और हवा की गति और दिशा से संबंधित पूर्वानुमान प्रदान करना। अर्थात यह एक ऐसा ऐप है जिसमें मौसम से संबंधित जो जानकारी है, जिसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति आदि संबंधित है, इसके संबंध में पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा, जिससे मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी ऐप के माध्यम से भी मिल सकेंगी। तो पृथ्वी विज्ञान एवं कृषि मंत्रालय। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेघदूत हाल में ही एक ऐप डेवलप किया गया, यह किस मंत्रालय द्वारा किया गया और किस उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट है सेव ग्रीन स्टे क्लीन जागरूकता अभियान जो है चलाया गया है। यह किस सरकार या किस राज्य द्वारा चलाया गया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह चलाया गया है, सेव ग्रीन स्टे क्लीन। हाल ही में कई राज्यों द्वारा इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें हरियाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में भी जल जीवन हरियाली को लेकर के विशेष अभियान चलाया गया। सेव ग्रीन सेव स्टे क्लीन में क्या है उद्देश्य? तो हरियाली के संरक्षण और कोलकाता में पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए चलाया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरण करेगी, ताकि अधिक से अधिक हरियाली को जो है बढ़ावा दिया जा सके। तो क्वेश्चन आ सकता है सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभी हाल ही में जागरूकता अभियान किस राज्य से संबंधित है? आगे आते हैं वहाली दीकड़ी
वहाली दीकरी नगद प्रोत्साहन योजना, यह गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया है। उद्देश्य क्या है? समाज में लड़कियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं के जन्म दर में सुधार करना, साथ ही बाल विवाह को रोकना। अर्थात समाज में सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ कन्या उत्थान से संबंधित जो योजनाएं हैं, जिसमें भ्रूण हत्या, जन्म दर में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह पर रोक लगाना आदि इससे संबंधित है। तो आपसे प्रश्न आ सकता है, वहाली दीकरी का संबंध किस क्षेत्र से है और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट है वृक्षासन महाकुंभ। ये फिर हरियाली से जुड़ा हुआ ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें मेघा हरियाली रोपण अभियान चलाया गया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। इसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन की 70वीं वर्षगांठ पे एक दिन में 22 करोड़ पौधे लगाए गए, साथ ही 6 घंटे के अंदर 76,823 पौधे वितरित किए गए और इसके साथ ही यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया है। तो इस तरह से ये पूछा जा सकता है कि वृक्षासन महाकुंभ अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। तो उत्तर प्रदेश द्वारा। और यह किस अवसर पर चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के 77वीं वर्षगांठ पर। अगला है विलेज वॉलंटियर सिस्टम। यह एक आंध्र प्रदेश की योजना है, विलेज वॉलंटियर सिस्टम। क्या है इसका उद्देश्य? लोगों के घर तक सरकारी सेवा उपलब्ध कराना। प्रत्येक गांव में गांव का एक सचिवालय की स्थापना करके 72 घंटे के भीतर जो है सेवा मुहैया करा देना। तो कहीं ना कहीं लोगों के पास सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए एक ये योजना चलाई गई है, जिसको नाम ही दिया गया है विलेज वॉलंटियर सिस्टम। ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। नेक्स्ट है नवोधम योजना। यह भी एक आंध्र प्रदेश की ही योजना है। इसमें MSME जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो उद्योग होते हैं उनको लेकर के है, MSME को बढ़ावा दे करके सशक्त बनाना। तो नवोधम योजना जो MSME से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। झारखंड राज्य योजना के तहत वेंकैया नायडू द्वारा यह लॉन्च किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका जो है लॉन्च किया। हालांकि ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का संबंध जो है वो झारखंड राज्य से है। इसमें मूल रूप से 1 एकड़ से 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को प्रतिवर्ष 5,000 से 25,000 तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। तो एक प्रकार से यह जो है सहायता राशि है ताकि कृषि की स्थिति को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। यह स्पेशली झारखंड राज्य में ही चलाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना देश स्तर पर आपको पता है कि किसानों की आय को दोगुना करने का अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी सर्वत सेहत बीमा योजना। महात्मा गांधी सर्वत सेहत बीमा योजना का शुरुआत जो है पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में प्रतिवर्ष 5 लाख प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। याद होगा कि भारत सरकार द्वारा इसी दिशा में आयुष्मान भारत योजना चलाया जा रहा है, जिसमें बीमा की सुविधा जो है स्वास्थ्य की दिशा में दी जा रही है। इससे अलग पंजाब सरकार ने अपनी एक बीमा योजना शुरू की है, जिसका नाम रखा है महात्मा गांधी सर्वत सेहत बीमा योजना। नेक्स्ट है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0। यह एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। इसमें कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट को लेकर के रिपोर्ट दिया गया है। इसमें पहला स्थान जो है गुजरात राज्य को मिला, जो कि सभी राज्यों में पहला था, जबकि उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान पुदुचेरी को मिला है। तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में पहला स्थान गुजरात, पूर्वी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी को मिला है। अब आते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। एक है सरल सूचकांक। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हाल ही में सरल सूचकांक का जो है अनावरण किया गया। सरल का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, राज्य छत और सौर आकर्षण सूचकांक है ये। और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो कर्नाटक को मिला है। तो इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण जो है ये सूचकांक है, इसे आप याद रख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट में। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का जो है घोषणा किया है। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर की विधानसभा के साथ तथा लद्दाख को विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा।
अब ये आप लोग भली भांति परिचित होंगे इस घटना से कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक जो है अर्थात संसद द्वारा जो है एक प्रस्ताव पारित करके जो है अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर का जो पूरा मैप है वो दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक भाग जो बटा हुआ भाग होगा वो जम्मू कश्मीर कहलाएगा, जहां विधानसभा का निर्माण किया जाएगा, और दूसरा लद्दाख क्षेत्र होगा जहां पर विधानसभा का निर्माण नहीं किया जाएगा। और इस तरह से दो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों को विभाजित कर दिया गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस विभाजन के बाद राज्यों की संख्या कितनी रह जाएगी देश में और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस पर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे और याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या में संशोधन विधेयक 2019 लाया गया और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने को मंजूरी मिल गई। लोकसभा में इसे मंजूरी मिल चुकी है। यह विधेयक में न्यायाधीशों की संख्या जो पहले 30 और प्लस एक अर्थात 30 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश थे, उसकी संख्या बढ़ा करके अब 33 कर दी गई है और एक मुख्य न्यायाधीश अर्थात कुल न्यायाधीशों की संख्या अब 34 हो जाएगी। जबकि शुरुआती दौर में जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश सहित कुल 8 रखी गई थी। अभी वर्तमान में जो मंजूरी मिली है उसके आधार पर आगे समय में 34 न्यायाधीश जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में हो जाएंगे। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है। यह दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें वह शुरुआती जो 200 यूनिट का जो खर्च होता है उसे मुफ्त करने का निर्देश दिया है। हालांकि 200 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर उसका जो है शुल्क देना होगा। अगला है भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन। यह एक पहली अंडर वाटर ट्रेन है, तो कोई भी घटना अगर पहली हो तो उससे जुड़े हुए प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कोलकाता में हुगली नदी के नीचे शुरू की जाएगी। यह सॉल्ट लेक सेक्टर 5 को हावड़ा मैदान से जोड़ेगी। तो ये आपसे दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस राज्य से शुरू हुआ है, तो पश्चिम बंगाल से। दूसरा पूछा जा सकता है कि कहाँ है, तो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे ये शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो आपसे पूछा जाता है कि ई गवर्नमेंट अर्थात ई गवर्नेंस जो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है हाल ही में कहां आयोजित किया गया, तो यह शिलांग में आयोजित किया गया और पहली बार इसका आयोजन पूर्वोत्तर भारत के किसी शहर में किया गया है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े हुए ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और याद हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। हाल ही में आपने एक प्रश्न सुना होगा कि जल नीति लागू किया गया है। इसको उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में भी डालेंगे कि जल नीति हाल ही में किसने लागू किया है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था। और उसी तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो पहला राज्य जो है वो राजस्थान बना है जो जैव ईंधन नीति को लागू कर रहा है। नेक्स्ट है भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे कि आपको पता होगा कि भारत में अंतरिक्ष से जुड़े हुए कार्यक्रम भारत सरकार के स्तर पर किए जाते हैं, लेकिन पहली बार भारत में निजी अंतरिक्ष संग्रहालय जहाँ पर संग्रहित किए जाएंगे कुछ अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े हुए चीजें। तो इसमें मूल रूप से PSLV, चंद्रयान 1, GSLV-3 आदि के मॉडल जो हैं वो संग्रहालय में संग्रहित किए जाएंगे और इस संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन लेह में किया गया। जनजातियों के एक उत्सव आदि महोत्सव, इसे याद रखेंगे कि हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका संबंध किससे था, तो यह एक राष्ट्रीय जनजाति उत्सव के रूप में मनाया गया। इसका आयोजन इस बार लेह जो लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर से संबंधित है वहां किया गया। 9 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय जनजाति मामले मंत्रालय तथा ट्रिफ्ट द्वारा किया गया। आगे आते हैं। भारत में पहले प्रथम केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना गुजरात में की जाएगी जिसका उद्देश्य रसायन उद्योगों को बढ़ावा देना है। तो यह भी भारत में पहला है अर्थात केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान, केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ यह प्रथम संस्थान जो है वो पूर्णतः केंद्रीय स्तर पर स्थापित हो रहा है जिसकी स्थापना जो है मूल रूप से गुजरात में की जा रही है और इसका उद्देश्य रसायन उद्योग में बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने
उड़ीसा में 3600 वर्ष पहले की ग्रामीण बस्ती का पता लगाया है। आपको ज्ञात होगा कि भारत में काफ़ी प्राचीन सभ्यताएं मिली हैं, जिसमें लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यताओं को भी खोजा गया है। इसी क्रम में भारतीय उड़ीसा क्षेत्र में अर्थात इस पूर्वी भारत में इस तरह के चीज़ें बहुत कम मिली हैं। तो एक सर्वेक्षण के खुदाई के दौरान जो है 3600 वर्ष पहले की ग्रामीण बस्ती का पता लगा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 4900 करोड़ की कोसी मेची नदी परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे बाढ़ से मिल सकेगी राहत। अर्थात बिहार में भी कई छोटी छोटी जो स्थानीय नदियां हैं उन्हें जोड़ने की परियोजना है, जो नदी जोड़ो परियोजना का एक पार्ट है, जिसे अमृत क्रांति भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। यह 4900 करोड़ की परियोजना है, जिसमें कोसी नदी को मेची नदी से जोड़ने की परियोजना है। नेक्स्ट आते हैं गोगा बिल। गोगा बिल ऑक्सबो झील, जो बिहार में एक प्रमुख झील के रूप में जाना जाता है, बिहार राज्य का यह पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि बिहार के किस झील को हाल ही में सामुदायिक रिजर्व घोषित कर दिया गया है, गोगा बिल को। नेक्स्ट है तिरूर सुपारी, केरल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तिरूर नाम का एक सुपारी जो केरल में काफ़ी प्रचलित है, उसे हाल ही में GI टैग प्रदान कर दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में पलानी मंदिर के पंचामिथेम प्रसाद को भी GI टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के पलानी मंदिर में एक प्रसाद दिया जाता है जिसका नाम है पंचामिथेम। इस प्रसाद को GI टैग प्रदान किया गया है और यह भी कई एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है मकराना संगमरमर। मकराना संगमरमर काफ़ी प्रचलित रहा है। याद होगा कि राजस्थान से इन्हीं संगमरमरों से ताजमहल का भी निर्माण कराया गया था। तो मकराना संगमरमर राजस्थान को हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। और इस तरह से ये तीन प्रमुख पॉइंट जो हाल ही के चर्चा के विषय हैं, इसे याद रखेंगे, तिरूर सुपारी केरल GI टैग, तमिलनाडु में पलानी मंदिर के पंचामिथेम और मकराना संगमरमर राजस्थान, जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान, जो कि क्रिकेट का मैदान है, का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। हाल ही में अरुण जेटली, जो पूर्व हमारे वित्त मंत्री रहे हैं, उनके निधन के उपरांत जो है फिरोजशाह कोटला मैदान का नामकरण अरुण जेटली स्टेडियम के रूप में कर दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की जो राष्ट्रीय स्तर पर पिछले एक माह में प्रचलित रहे। सबसे पहले राजीव गौबा। राजीव गौबा को हाल ही में कैबिनेट सचिव के स्तर से जो है नियुक्त किया गया है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इसे याद रखेंगे। इसके अलावा अजय कुमार, जिन्हें रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है चंद्रिमा शाहा, इन्हें INSA की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, जो 2020 से अपने पद पर आएंगी। INSA क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है चंद्रिमा शाहा, जो 2020 से अपना पद ग्रहण करेंगी। तो इस तरह से जब भी कोई महिला किसी बड़े पद पर पहली बार आसीन होती हैं तो निश्चित रूप से वहां से प्रश्न बन जाते हैं, तो याद रख सकते हैं चंद्रिमा। और आप याद रखने के लिए भी बहुत आसान, विज्ञान और चंद्रमा तो दोनों विज्ञान से जुड़े हैं, तो चंद्रिमा शाहा। नेक्स्ट है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, तो ये भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि कई बार पहले भी प्रश्न बना है जब वो असम से राज्यसभा सांसद थे। तो मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। अब आते हैं निधन की ओर। पिछले एक माह में वे प्रमुख निधन जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहे। पहला है मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी। ये संगीत के क्षेत्र में इनका संबंध है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में मोहम्मद जहूर खयाम शाह हाशमी का निधन हुआ, जिनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये संगीत क्षेत्र से संबंधित थे और 2011 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। इनके अतिरिक्त कुछ चर्चित निधन में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, यह राजनीति से संबंधित थे और 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो इनका हाल ही में निधन हुआ, तो ये भी एक चर्चा का विषय रहा। सुषमा स्वराज, BJP से संबंधित नेता, पूर्व विदेश मंत्री तथा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। 25 वर्ष की आयु में सबसे कम आयु में कैबिनेट मंत्री बनने का भी इन्हें दर्जा मिला। इनका संबंध हरियाणा से था और हाल ही में इनका भी निधन हो गया है, तो सुषमा स्वराज से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट है अरुण जेटली। अरुण जेटली जी का हाल ही में निधन हुआ, यह भी पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं और हाल ही में इनके नाम पर ही फिरोजशाह कोटला का नाम जो है अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और लास्ट है कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी बिहार में मधुबनी पेंटिंग और सुजनी कलाकारी से जो है चर्चित रही थी, इनका निधन हुआ है और एक प्रमुख मधुबनी पेंटिंग की चर्चित रही हैं ये, तो कर्पूरी देवी। तो ये प्रमुख निधन थे जो पिछले एक माह के दौरान जो है हुए हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र में। राष्ट्रीय घटनाचक्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में कुछ प्रमुख घटनाएं जो अगस्त माह के दौरान घटित हुई उनको देखते हैं। एक रिपोर्ट आया हाल ही में जारी वाटर स्ट्रेस इंडेक्स। वाटर स्ट्रेस इंडेक्स के अनुसार भारत के 20 बड़े शहरों में से 11 में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस इंडेक्स में जो हाल ही में जारी ये इंडेक्स था उसमें भारत को 46वें स्थान पर रखा गया है, जो जोखिमपूर्ण देश अर्थात जल संकट से जुड़े हुए देश हैं। इस लिस्ट में भारत के 20 बड़े शहरों में 11 अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं और 7 शहर उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं। इसे रिस्क एनालिटिक्स फॉर्म वेरी सिंपल क्राफ्ट संस्था द्वारा जारी किया गया है। और हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत के चेन्नई शहर में बड़ी ही भीषण जल संकट की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये वर्ल्ड लेवल की ये रिपोर्ट्स हैं जहां पर भारत के जल संकट की स्थिति को दिखाया गया है। अगला आता है नीदरलैंड से जुड़ा हुआ एक न्यूज है जो प्रश्न बन सकता है। नीदरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तो कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाल ही में किस देश ने जो है सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो नीदरलैंड ने। आगे बढ़ते हैं। 25 वर्षों में पहली बार यूएसए ने चीन को करेंसी मैनिपुलेटर मुद्रा जोड़ तोड़ के रूप देश के रूप में चिन्हित किया है। चीन की हाल ही नीति के कारण अमेरिका ने उन्हें कुछ दिनों पहले जो है ट्रेड वार की स्थिति बनी थी उसके कुछ सामानों पर आयात पर रोक लगा दिया था। साथ ही अब आगे बढ़ते हुए यूएसए ने चीन को करेंसी मैनिपुलेटर मुद्रा जोड़ तोड़ की नीति वाले देश के रूप में चिन्हित किया है। नेक्स्ट है जो कि महत्वपूर्ण है, 45वां G7 बैठक का आयोजन फ्रांस में किया गया है। G7 बैठक का आयोजन G7 के 7 देशों के बीच किया जाता है जो कि विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इस बार के G7 की बैठक फ्रांस में आयोजित किया गया जिसका थीम था अस्मिता का मुकाबला करना। और इस G7 देशों में शामिल देशों का नाम अगर याद करें तो ये वो विकसित देश है जिनका नाम आपको याद रखना है, USA, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान। जापान एकमात्र एशियाई देश है जो इसमें शामिल है। इससे पहले इसे G8 के नाम से जाना जाता था, इसमें से रूस के हटाए जाने के बाद इसका नाम G7 पुनः हो गया है। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में अमेजन के जंगलों में आग लगने की खबरें आई। 2018 से 2019 में 84% इन आग की लपटों में वृद्धि हो गई है जिसके कारण बड़ी संख्या में वहां से हरियाली उजर रही है। और यह जो अमेजन जंगल है यह कुल 9 देशों में फैला है। इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि विश्व के लगभग 20% ऑक्सीजन अमेजन की जंगलों से प्राप्त होता है, लेकिन हाल के लगे हुए आग के कारण इस फेफड़े में परेशानी आ गई है। तो ये थे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर। अब कुछ खबर अंतर्राष्ट्रीय में। UNCCD के COP14 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा जिसमें 200 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। ये आने वाले समय की खबरें हैं कि COP14 का आयोजन जो है वो ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा जिसमें 200 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। UNCCD क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। लास्ट आते हैं कुछ नियुक्ति की ओर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति। तो अब्दुल्लाह हमदोक सूडान के 15वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं, अब्दुल्लाह हमदोक। और नेक्स्ट है अलजांद्रो जियामेती, यह ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दो प्रमुख नियुक्ति इस अगस्त के महीने में चर्चा के विषय में रहे, अब्दुल्लाह हमदोक सूडान के 15वें प्रधानमंत्री, अलजांद्रो जियामेती ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये थे प्रमुख खबरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अक्टूबर माह के इस करंट अफेयर्स वीडियो में मूल रूप से खबरें अगस्त की दी गई हैं।
अगले वीडियो में हम लोग आर्थिक घटनाक्रम, रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेल घटनाक्रम, पुरस्कार सम्मान आदि को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और PDF आपको अगले वीडियो के लास्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों एडुटेरिया से जुड़ने के लिए, करंट अफेयर्स को देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।